ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो मेरी आज की है क्योंकि इसे मैंने आज शूट की है, और ये वीडियो मेरी 3 या 4 महीने पहले की है। आप देख सकते हो कि पहले मेरे चेहरे में कितनी ज़्यादा डार्क स्पॉट थी, टैनिंग थी और पिगमेंटेशन भी था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी होम रेमेडी जिसे मैं अपने चेहरे पर अप्लाई की और मेरे जितनी भी चेहरे पर प्रॉब्लम थी वो सब ख़त्म हो गई। मैं कोई भी फेस पैक अप्लाई करने से पहले अपने पूरे चेहरे को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो क्लींजिंग करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून दही एंड 1 टेबल स्पून चावल का आटा। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स करो और पूरे चेहरे पे अप्लाई करो। हल्का हल्का हाथों से मसाज करती हूँ। ये आपके चेहरे से टैनिंग को भी रिमूव करेगा, प्लस आपके चेहरे पर जितनी गंदगी होती है इससे आपका चेहरा डीप क्लीन होता है। 2 से 3 मिनट मसाज करना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। इसे आप डेली बेस पे भी यूज कर सकते हो। फेस पैक बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन। यह आपके चेहरे को लाइट एंड ब्राइट बनाता है। उसके बाद आप इसमें ऐड करो हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरिया पाया जाता है, यह आपके चेहरे में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उन्हें यह हटाता है। उसके बाद आप इसमें ऐड करो पपीता। पपीता आपके चेहरे से टैनिंग को, पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट को लाइट करता है और वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आप ऐड करो 1 टेबल स्पून दही। दही आपके चेहरे को डीप क्लीन करता है, यह आपके टैनिंग को रिमूव करता है और डार्क स्पॉट को भी रिमूव करता है। इन सभी को आप अच्छे से मिक्स करो, एक अच्छा सा थिक पेस्ट बनाओ और पूरे चेहरे पे अप्लाई करो। यह आपके चेहरे में जितनी भी प्रॉब्लम है सच में ख़त्म करता है। इसे मैं वीक में 1 या 2 बार अप्लाई करती हूँ। इसे आपको डेली अप्लाई करना है कम से कम 1 या 2 महीने तक। उसके बाद आप इसे वीक में 1 या 2 बार अप्लाई करते रहो। इससे आपके टैनिंग, पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट रिमूव हो जाएंगे। इसे मैं अप्लाई करती हूँ और आप देख लेना कि पहले की जो पिक्चर थी और अब की पिक्चर क्या डिफरेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।